नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ, आज अल्लामा इकबाल का ये मशहूर शेर मैंने पढ़ा है हमारे आज के नायक की स्मृति में, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। पहले आजाद भारत का जिन्होंने हिंदुस्तान को सपना दिखाया और फिर आधुनिक भारत के जो निर्माता बने, वही हैं हमारे आज के नायक, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नायक, नायक। आज पंडित नेहरू जी की जन्म जयंती भी है। आगे बढ़े उससे पहले एक बार उनकी याद को कोटी कोटी नमन, उन्हें हम सब की श्रद्धांजलि। तो बताऊंगा मैं आपको आज कि कैसे एक वृद्ध महिला ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भरी भीड़ में अपनी गाड़ी से नीचे उतरने को कर दिया मजबूर। इतिहास का वो कौन सा ऐसा नाजुक दौर था जब जनता में से आवाज उठी एक बार नेहरू जी के लिए कि आप तो एक हत्यारे हैं, और क्या वजह थी जिसकी वजह से नेहरू जी ने कहा कि वो एक मैली गंदी अचकन पहन संसद जाने में ही अपना सम्मान महसूस करेंगे। किससे तो जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन से जुड़े हुए इतने हैं कि शायद पूरे साल भी अगर हम ये कार्यक्रम में सिर्फ उनकी बात करें तो कम पड़े। बात है जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, सुबह सुबह अपने दफ्तर के लिए निकल रहे थे। साउथ एवेन्यू के पास उनकी कार पंक्चर हो गई। अब दूर एक टैक्सी वाले थे, सरदार जी थे, वो देख रहे थे कि प्रधानमंत्री की गाड़ी पंक्चर हो गई। फौरन अपनी टैक्सी लेकर टैक्सी ड्राइवर साहब नेहरू जी के पास पहुंचे। अब उन दिनों आज जैसी सुरक्षा व्यवस्था तो होती नहीं थी कि आप प्रधानमंत्री के आधा किलोमीटर तक भी नहीं पहुंच पाते आसानी से। सरदार जी ने पंडित जी को कहा कि मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि अगर आप मेरी टैक्सी में बैठकर अपने दफ्तर जाएं। जवाहरलाल जी ने अपने सुरक्षा कर्मियों और ड्राइवर की एक न सुनी और बैठ गए टैक्सी में। दफ्तर पहुंचकर टटोलने लगे वो अपनी जेबें, और जेब में पैसे तो वो रखते नहीं थे, तो पैसे थे नहीं। अब वो बड़े झेपे, उन्होंने कहा किराया देने का पैसा तो मेरे पास है नहीं। टैक्सी वाला शर्माता हुआ बोला, आप किराया देने की बात कर रहे हैं, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप आज जिस सीट पर बैठ के मेरे साथ अपने दफ्तर तक आए हैं, कम से कम अगले 15 दिनों तक मजाल है कि कोई और उस सीट पर भी बैठ जाए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी के नायक हुआ करते थे नेहरू जी। क्या हो गया एक दिन ऐसा कि अपने साथ आए एक वरिष्ठ पत्रकार का कॉलर पकड़ लिया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, और खींचते हुए ले आए अपनी टेबल तक उसे। सीनियर जर्नलिस्ट पीडी टंडन साहब, जो नेहरू जी के साथ ही हर जगह जाते थे और रिपोर्टिंग किया करते थे, टंडन साहब ने अपनी किताब में इस किस्से का जिक्र किया है कि एक बार जब वो कहीं दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ थे, तो रात के समय जब डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठे हुए और टंडन जी को प्रधानमंत्री ने डाइनिंग टेबल पर नहीं देखा, तो एकदम से उनका पारा चढ़ गया, बहुत गुस्सा आया उन्हें, और पंडित जी ने चिल्लाकर पूछा कि वो पागल आदमी कहां है। सब चुप बैठे रहे, लेकिन पंडित जी अपनी कुर्सी से उठे और बड़बड़ाते हुए बोले, मुझे पता है वो कहां है। और फिर पंडित जी भागे टंडन जी के उस छोटे से कमरे की तरफ जहां वो टाइपराइटर पर बैठ खटाखट खबर लिख रहे थे एजेंसी को भेजने के लिए। पंडित जी ने पकड़ा उनके कुर्ते का कॉलर और खींचते हुए ले आए डाइनिंग टेबल पर, और रास्ते भर यही बोलते रहे, जहन्नुम में जाए तुम्हारी रिपोर्टिंग। सभी मौजूद लोग हंस रहे थे, पंडित जी का भी गुस्सा काफूर हो गया, वो भी हंसने लगे, और फिर सबने बैठकर चैन से खाना खाया। वाकई नेहरू जी एक बड़े आदमी थे, बड़े दिल के मालिक थे। जब देश आजाद हुआ तो हम कई मोर्चों पर भयावह संकट से जूझ रहे थे। अर्थव्यवस्था के नाम पर कुछ खास था नहीं, खेती की हालत बुरी थी, कई जगह अकाल पड़ा हुआ था, राजस्व में यानी सरकारी खजाने में धन नहीं के बराबर था। ऐसे में नेहरू जी की सारी उम्मीदें औद्योगिकरण पर ही टिकी हुई थीं। एक बड़ी समस्या जो देश के सामने उस वक्त थी वो थी तेल की।
नेहरू जी ने कार्यभार संभालते ही भारत में तेल ढूंढने का काम शुरू करवाया। भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से कई जगह ड्रिलिंग हुई, लेकिन कहीं भी कामयाबी मिल नहीं पा रही थी। इसी दौरान पंडित जी के पास खबर आई कि गुजरात में अंकलेश्वर में तेल निकलने की संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं। खबर मिलते ही नेहरू जी अंकलेश्वर के लिए रवाना हुए। जैसे ही वहां पहुंचे, उसके थोड़ी देर बाद तेल निकलना शुरू हो गया। काले तेल के फव्वारे आसमान से बातें कर रहे थे। नेहरू जी उस काले तेल की फुहारी में खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बेहद प्रसन्न थे। इतने में उनके असिस्टेंट्स दौड़कर आए और कहा, नेहरू जी आपकी शेरवानी बिल्कुल काली पड़ गई है तेल के छींटों से। उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी शेरवानी बदल लें। नेहरू जी मुस्कुराते हुए बोले, ये गंदी शेरवानी नहीं है, ये शेरवानी हमारी कामयाबी की दास्तां सुना रही है मेरे दोस्त। कल मैं इसी अचकन को पहन संसद जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि ये जो दाग आप मेरी शेरवानी पे देख रहे हैं, ये हमारे अपने देश से निकले हुए तेल के छींटे हैं। कैसे एक वृद्ध महिला ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भरी भीड़ में अपनी गाड़ी से नीचे उतरने को कर दिया मजबूर। कितने सरल थे नेहरू जी बताता हूं। एक बार सुरक्षा काफिले के बीच उनकी गाड़ी निकल रही थी, चारों तरफ भीड़ थी। अचानक भीड़ में से एक बुढ़िया ने आवाज लगाई, ओ नेहरू, तू आज इतना बड़ा हो गया कि लोग तुझसे मिल नहीं सकते। चांस की बात है, नेहरू जी ने बुढ़िया की बात सुन ली। तुरंत उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उतरे, बुढ़िया के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, कहां बड़ा हो गया अम्मा, बड़ा हो जाता तो तू मुझसे ऐसे बोल पाती। फिर उन्होंने उस बुढ़िया की सारी बात सुनी, उसकी शिकायतें और परेशानी समझी और वहीं मौजूद अफसरों को हिदायत दी कि इनकी जो भी शिकायत है उसका तत्काल समाधान किया जाए। कौन सा ऐसा नाजुक दौर था जब जनता में से ये आवाज उठी एक बार नेहरू जी के लिए कि आप तो एक हत्यारे हैं। बात 1947 की है। भारत विभाजन के बाद दोनों तरफ सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा की ज्वाला को शांत करने के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली एक शांति मिशन पर निकले। उन्होंने साथ साथ कुछ उन इलाकों में जाने का फैसला किया जहां दंगे भड़के हुए थे, जहां शरणार्थी कैंप्स लगे हुए थे। नेहरू जी और लियाकत अली ऐसे ही एक दौरे में 1 सितंबर 1947 को आदमपुर हवाई अड्डे पहुंचे और फिर गए पास ही एक शरणार्थी कैंप में। हवाई अड्डे से ही नेहरू जी ने उन 4 गाड़ियों में से 2 को रवाना कर दिया जो उनके सुरक्षा इंतजामात के लिए उनके साथ थी। जैसे ही नेहरू जी शरणार्थी कैंप में पहुंचे, वहां मौजूद मुसलमान शरणार्थी गुस्से में चिल्लाने लगे, आ गया जालिम, मार डाला, लूट लिया हमें। भीड़ का इतना उग्र रवैया देख सुरक्षा कर्मी घबरा गए। उन्होंने नेहरू जी के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन देखते क्या है कि नेहरू जी गायब हो चुके थे तब तक। थोड़ी देर बाद दिखा, नेहरू जी तो बीच भीड़ में घुस चुके थे और लोगों से बात कर रहे थे। एक एक की कहानी, एक एक की व्यथा और पीड़ा बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उसको उत्तर दे रहे थे, जवाब दे रहे थे, दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर में वो उग्र भीड़ जो चंद क्षण पहले नेहरू जी को हत्यारा कहकर संबोधित कर रही थी, और अब उसी भीड़ में से आवाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के खिलाफ उठने लगी थी। बात है 1928 की। इंदिरा 10 साल की थी, नेहरू जी जेल में थे। वो सिर्फ अपनी पुत्री से उन खतों के जरिए बात ही नहीं करना चाहते थे, उससे अपना सोच, अपना ज्ञान भी शेयर करना चाहते थे। इन सब के लिए उन्होंने रास्ता ढूंढा चिट्ठियों का और लिखने शुरू करे इंदिरा को खत। ये सभी पत्र अंग्रेजी में थे, जिसमें नेहरू जी ने दुनिया भर के इतिहास और सभ्यताओं का भी जिक्र किया था, अपना अनुभव भी अपनी बेटी के साथ बांटा था। कौन जानता था कि बेटी को एक बाप द्वारा जेल से लिखे गए ये पत्र एक दिन इतिहास के बहुत अहम दस्तावेज बन जाएंगे।
1929 में इन सभी पत्रों का हिंदी में अनुवाद किया जाने माने हिंदी के लेखक मुंशी प्रेमचंद ने। किताब का नाम था पिता के पत्र पुत्री के नाम। नेहरू जी वो महान शख्सियत थे जिन्होंने जो जेल से पत्र अपनी बेटी के नाम लिखे वो इतिहास की एक विख्यात पुस्तक बन गए, और जो उन्होंने भारत दर्शन का विवरण लिखा वो बन गई पुस्तक ऐतिहासिक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फावड़े को हाथ लगाया तो भाखड़ा नंगल देश को मिला, और देश के बच्चों को तो हमेशा के लिए मिली गए उनके चाचा नेहरू। इसी के साथ मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, आपसे फिर मुलाकात होती है। हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर,